सऊदी अरब में अब महिलाएं पुरुषों की मर्जी के बिना ये काम कर सकती हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। आज की ये वीडियो सऊदी अरब के नए कानूनों के ऊपर है। जी हाँ फ्रेंड्स, सऊदी अरब में महिलाएं अब पुरुष गार्जियन की अनुमति के बिना विदेश की यात्रा कर सकेंगे। वहां की सरकार ने शुक्रवार को नए नियमों की जानकारी दी है। नए नियमों के तहत 21 साल से अधिक आयु की महिलाएं मेल गार्जियन की अनुमति के बिना पासपोर्ट के लिए आवेदन भी कर सकती हैं और वयस्क नागरिक अब पासपोर्ट और विदेश जाने की आज़ादी भी ले सकेंगे। रॉयल डिग्री के मुताबिक महिलाओं को बच्चे के जन्म, शादी या फिर तलाक का रजिस्ट्रेशन कराने जैसे अधिकार भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी नागरिकों को किसी तरह के लैंगिक भेदभाव का सामना किए बगैर काम करने का अधिकार भी दे दिया गया है। अभी तक सऊदी अरब में महिलाओं को मेल गार्जियन की अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर हम मेल गार्जियन की बात करें तो महिलाओं के मेल गार्जियन में उनके पति, उनके पिता या फिर कोई पुरुष रिश्तेदार शामिल थे। इस वजह से महिलाएं अपने बहुत से महत्वपूर्ण फैसले पूरी तरह से नहीं ले पाती थी और पुरुषों पर निर्भर थी। सऊदी शासन में इस नए कदम से महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दुनिया भर के मानव अधिकार संगठन लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि सऊदी अरब में पुरुष संरक्षण की व्यवस्था महिलाओं को दोयम दर्जे की ज़िंदगी देती है। सऊदी शासन से इस सुधारवादी कदम का महिलाओं ने खुले दिल से स्वागत भी किया है। सोशल मीडिया पर मेल गार्जियनशिप खत्म होने से जुड़े हैशटैग ट्रेंड भी शुरू हो गए थे। US में सऊदी राजदूत रीमा बंदार अल सऊद ने कहा है, सऊदी शासन अपने श्रम और नागरिक कानून में संशोधन लागू कर रहा है जिससे समाज में सऊदी महिलाओं का दर्जा ऊँचा उठेगा। वो अब पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकेंगी और फ्री होके यात्रा कर सकेंगे। इससे सऊदी महिलाओं की ज़िंदगी में वास्तविक ही बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। कई युवा महिलाओं ने सऊदी अरब छोड़कर विदेश में शरण लेने के बढ़ते मामलों को देखकर सऊदी शासन गार्जियनशिप को लेकर बने कानून में बदलाव करने को मजबूर हो गया है। जनवरी महीने में 18 वर्षीय रहाफ मोहम्मद मुतलक अल कुनून नाम की एक लड़की कथित तौर पर अपने परिवार की प्रताड़ना से छुटकारा पाने के लिए होटल रूम से भागने में कामयाब हो गई थी। बाद में उसे कनाडा में शरणार्थी का दर्जा भी दिया गया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी में कई सामाजिक और आर्थिक सुधार किए हैं ताकि देश की तेल से आने वाली राजस्व पर निर्भरता कम की जा सके। उन्हें 2017 में सऊदी का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। वहीं 2018 में सऊदी के महिलाओं को ड्राइविंग करने का अधिकार दे दिया गया था। इसके अलावा महिलाओं के नौकरी करने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने या फिर सर्जरी कराने जैसे फैसलों के लिए पुरुष गार्जियन की अनुमति की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया था। ये बदलाव वाकई सऊदी अरब की महिलाओं में बहुत बड़े बदलाव लाएंगे और वहाँ की महिलाओं को फ्री होकर जीने की आज़ादी भी देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी एक नई अपडेट सऊदी अरब को लेकर। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।